तभी आपके पास लौटेंगे। इसी बीच दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट कर दें, परिवार सहित सालासर मंदिर में गोविंद कांडा ने माथा टेका है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, तो इस बीच बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। गोविंद कांडा ने अपनी जीत का दावा किया है और इसी तरह से शुरुआती दौर से लेकर अब तक तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। तो गोविंद कांडा ने सालासर मंदिर में माथा टेका है और ये दुआ की है कि उनके पक्ष में माहौल बने। तो परिवार सहित सालासर मंदिर में बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा ने माथा टेका है, तो गोविंद कांडा ने अपनी जीत का दावा भी किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और हरियाणा न्यूज आपको पल पल की जानकारियों से अपडेट कर रहा है कि इस इलाहाबाद के उपचुनाव के धाकड़ मुकाबले में किस तरह की परिस्थितियां हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरह का माहौल है और वोटर्स के भीतर, मतदाताओं के भीतर किस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, गोविंद कांडा ने सालासर मंदिर में माथा टेका है और अपनी जीत का दावा भी किया है। तो परिवार सहित गोविंद कांडा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सालासर मंदिर में पहुंचकर माथा टेका है। तो इलाहाबाद के उपचुनाव के इस धाकड़ मुकाबले में कौन जीतने वाला है, किसकी हार होने वाली है, किसको करारी शिकस्त मिलने वाली है, कौन चारों खाने चित होने वाला है, इन तमाम सवालों का उत्तर तो आपको 2 नवंबर की तारीख को ही मिल पाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि सालासर मंदिर में पहुंचकर बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा ने माथा टेका है। परिवार सहित वह मंदिर में पहुंचे जहां पर उन्होंने माथा टेका और बड़ी बात यहां पर यह है कि एक अलग तरह का उत्साह गोविंद कांडा के भीतर देखने को मिल रहा था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा भी किया। तो गोविंद कांडा ने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा किया है और यही बात वह लगातार शुरुआती दौर से लेकर अब तक कहते आ रहे हैं। लेकिन तमाम सवाल सामने हैं और इन तमाम सवालों का उत्तर आपको 2 नवंबर की तारीख को मिल पाएगा, इसलिए इंतजार करिए, तमाम परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए और अपने अपने मुद्दे लेकर